ये इंजेक्शन विटामिन की डिफिशेंसी की समस्या में उपयोग किया जाता है। और जैसे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बॉडी में प्रॉपर रूप से विटामिन नहीं बन रहा है, तब उस समस्या में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और इस इंजेक्शन का उपयोग कौन कौन सी दिक्कत, कौन कौन सी बीमारी, मरीज को क्या दिक्कत, क्या परेशानी रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन लगाया जाता है, या फिर कौन कौन सी बीमारियों में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, इस इंजेक्शन में कौन कौन सा कंपोजिशन, क्या क्या साल्ट पाया जाता है, ये इंजेक्शन लगाना कैसे होता है, इस इंजेक्शन का डोज क्या होता है, इस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। जैसे कि इस इंजेक्शन में जो हमारा कंपोजिशन होता है, मिथाइल कोबलामीन, फोलिक एसिड, निकोटिनामाइड और विटामिन बी सी का कंपोजिशन होता है। चलिए इस इंजेक्शन के यूज डिटेल जान लेते हैं, क्या दिक्कत क्या परेशानी रहती है, तब डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन लगाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को विटामिन की डिफिशेंसी हो जाती है, यानी जब किसी भी मरीज को विटामिन के कारण उसे किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन मरीज को लगाया जाता है, जिससे जो उसके शरीर में विटामिन की कमी है, यानी विटामिन की जो डिफिशेंसी है, उसके कारण जो उसे दिक्कत या तकलीफ रहता है वो दूर हो जाता है, यानी वो ठीक हो जाता है। और जैसे कि यदि कोई व्यक्ति है जो प्रॉपर रूप से डाइट नहीं ले पा रहा है, या फिर उसकी डाइट जो पुअर है, या फिर उसे किसी भी प्रकार से बड़ी बीमारी हो, तो इन सारी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन मरीज को लगाया जाता है। और जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को या किसी मरीज को किसी प्रकार से कोई बीमारी है, उसकी वजह से उसके शरीर से जो विटामिन्स है वो ज़्यादा मात्रा में निकल रहा है, तो उस विटामिन के निकलने की वजह से उसके शरीर में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाता है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन मरीज को लगाया जाता है। और जैसे कि यदि कोई ओल्ड एज का व्यक्ति है, या फिर हम कह सकते हैं आपने देखा होगा कि बुढ़ापे के समय में जो हमारे शरीर में विटामिन बनने की क्षमता रहता है वो एकदम ना के बराबर हो जाता है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे उसके शरीर में जो विटामिन की कमी है, यानी जो विटामिन की डिफिशेंसी रहता है, वो पूरा हो जाता है, जिससे व्यक्ति अपने आप को ठीक और अच्छा महसूस करता है। और जैसे कि इस इंजेक्शन का उपयोग मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं में भी उपयोग किया जाता है। मांसपेशियों की समस्या में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मांसपेशियों में चुभन के जैसा महसूस होता है, हाथ या पैर में, या फिर जांघ के साइड में, या फिर तलवे के साइड में जलन की समस्या रहती है, भभक सा महसूस होता है, खुजली होता है, अचानक नसें चढ़ जाती हैं, दर्द सा होने लगता है मांसपेशियों में, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन जाता है। और जैसे कि डायबिटीज की समस्या में डॉक्टर के द्वारा पेशेंट की दिक्कत और परेशानी को देखते हुए डॉक्टर ये इंजेक्शन मरीज को एडवाइस करते हैं लगवाने के लिए, जिससे जो मरीज के शरीर के विटामिन की कमी होती है, यानी जो विटामिन की डिफिशेंसी होती है, वो विटामिन की कमी ये इंजेक्शन पूरा कर देता है। और जैसे कि इस इंजेक्शन का उपयोग, जैसे कि आपने देखा होगा आपके हाथ पैर तलवे में जलन की समस्या रहती है, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा जलन की समस्या रहती है, हाथों में बहुत ज़्यादा जलन की समस्या रहती है, और मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या बनी रहती है। आप नॉर्मल मेडिसिन खाते हैं, उससे आपकी जो दर्द रहता है वो कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाता है, फिर आपके मांसपेशियों में दर्द बन जाता है, तब उस समस्या में उस दर्द को ठीक करने के लिए, यानी मांसपेशियों से जुड़ी हुई समस्याओं में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता जैसे है। कि अगर किसी के मांसपेशियों में जब दर्द रहता है, तब उस टाइम वो कोई मेडिसिन खा लेता है, उसके बाद में उसे आराम मिल जाता है, जैसे मेडिसिन का असर ख़त्म होता है, फिर उसके मांसपेशियों में हाथ तलवे में जलन की समस्या होने लगती है, भभकने की जैसा महसूस होने लगता है, उसके मांसपेशियों में चुभन की समस्या होने लगती है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके हाथ या पैर में या मांसपेशियों में कोई चींटी जैसा काटने जैसा महसूस होने लगता है, झुनझुना हाथ में झुनझुनी जैसा महसूस होने लगता है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन मरीज को लगाया जाता है। और जैसे कि यदि किसी के शरीर में विटामिन की डिफिशेंसी रहती है, यानी विटामिन की कमी रहती है, उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी सा महसूस होता है, उसके बॉडी में थकान सा हमेशा बना रहता है, तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये इंजेक्शन मरीज को लगाया जाता है। और जैसे कि इस इंजेक्शन का उपयोग अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है, उसके हाथ पाँव जोड़ों जोड़ों में दर्द बना रहता है, गठिया की समस्या रहती है, गठिया की समस्या में क्या होता है, उसके जोड़ों जोड़ों में दर्द होता है, उसे उठने बैठने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की समस्या रहता है, उसकी मांसपेशियों में लगातार दर्द बना रहता है,
है तब डॉक्टर के द्वारा इन सारी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए मरीज को यह इंजेक्शन लगाया जाता है। और जैसे कि नसों से रिलेटेड समस्याओं में भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया होता है। नसों से रिलेटेड समस्याएं क्या होती हैं, आपने देखा होगा कि अचानक हाथों में या पैरों में ऐठन के जैसा महसूस होने लगता है, अकड़ जाता है, उस समय क्या होता है, नसों से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याओं में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं ये इंजेक्शन लगाया कैसे जाता है। ये इंजेक्शन आईबी और आईएम रूट से दिया जाता है। जैसे कि ये इंजेक्शन आईबी फ्लूड में डाल करके चढ़ाया जाता है और ये इंजेक्शन आईएम लगाया जाता है। ये इंजेक्शन आईएम रूट से भी दिया जाता है और ये इंजेक्शन आईवी रूट से भी दिया जाता है। जैसे कि आईवी रूट क्या होता है, ये इंजेक्शन जैसे कि आरएल डीएनएस एनएस की बोतल में डाल करके, ड्रिप में डाल करके ये इंजेक्शन मरीज को लगाया जाता है और ये इंजेक्शन आईएम रूट से भी दिया जाता है। चलिए अब हम आपको इस इंजेक्शन के डोज के बारे में बताते हैं। जैसे कि जो इंजेक्शन का डोज होता है, ये मरीज की स्थिति और उसकी दिक्कत और उसकी परेशानी को देखते हुए डॉक्टर इस इंजेक्शन का डोज निर्धारित करके मरीज को लगाते हैं। और जैसे कि इस इंजेक्शन का क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, चलिए जान लेते हैं। जैसे कि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद में अगर आपके पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगे, आपको वोमिटिंग के जैसा महसूस होने लगे, आपके बॉडी में इचिंग के जैसा महसूस होने लगे, अगर आपको चक्कर जैसा महसूस होने लगे, आपके पेट में दर्द की समस्या होने लगे, तो ये इंजेक्शन दोबारा ना लगवाएं। और अगर ये सब कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको दिखे तो एक बार अपने डॉक्टर से आप अपनी दिक्कत परेशानी ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर संपर्क करें, फिर उसके बाद में कोई इंजेक्शन कोई दवा लें। कोई भी इंजेक्शन कोई भी दवा कभी भी आप अपनी मर्जी से उपयोग ना करें।